यहाँ पर अभी मैंने मस्त खाना खाया इधर शेरे पंजाबी ढाबा। और मैं बेंगलोर से करीब करीब 20 से 25 किलोमीटर बाहर आया हूँ थोड़ा सा हाईवे पे फन राइड करने के लिए। वेदर तो एज यूजुअल बेंगलोर का मस्त है और मैं थोड़ा बाइक को जो है ना इन्जॉय करना चाहता था, इसके टॉर्क और इसके फील को थोड़ा हाईवे पे इन्जॉय करना चाहता था। इस तरफ बेंगलोर से दूर, इस तरफ बेंगलोर के नज़दीक, तो हम लोग इधर जाएंगे अभी और हाईवे को इन्जॉय करेंगे। ओके और इधर अब मस्त मज़ा लेने वाले हैं हम लोग। Give me this space. Wow, it's just fun. तो मैं बेंगलोर से जैसे हमने बताया थोड़ा बाहर निकला हूँ, थोड़ा बाइक राइड को एंजॉय करने के लिए आज सैटरडे है। Wait, slow down. Kolar might be around 20 odd kilometers from here, so I might just enjoy this highway, open highway till there, and then I'll come back Bangalore, almost 40 kilometers back to Bangalore. Let's go. घूम जा, सीधा हो जा। तो कोलार इज 24 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, सो आई विल राइड फॉर 24 मोर किलोमीटर्स एंड देन आई विल कम बैक। लेट्स गो। Okay. First, let me tell you guys one thing, that please don't copy me. And if you are trying to do something like this, do it at your own risk. Okay, let me enjoy the road. तो ये एक अनयूजुअल एक्सेलरेशन था, आप अपने रिस्क पे ही ट्राई कीजिए। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि आप ट्राई मत कीजिए जब तक आपको बिल्कुल ही ओपन स्ट्रेच ना मिले और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ना हो थोड़ा हाई स्पीड पे जाने का, तो बिल्कुल ट्राई मत कीजिए। और घर से निकला था आज क्योंकि वीकेंड है और मैं थोड़ा बाइक को इंजॉय करना चाहता था और साथ में बाहर में खाना भी चाहता था। तो वो जो आपको पंजाबी ढाबा दिखाया वहाँ पर मैं अक्सर विजिट करता हूँ, कभी मैं अकेला विजिट करता हूँ, कभी मैं अपनी फैमिली के साथ में। अभी जैसे अकेला विजिट किया क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ में है नहीं। तो आज के व्लॉग में कुछ और था नहीं, बस यही था। तो मेरे मन में ना अचानक से ख्याल आया, क्यों ना मैं अपना एक एक्सपीरियंस वाला, मेरा जो एक्सपीरियंस है लॉन्ग राइड पे जाने का या सोलो राइड पे जाने का, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ।
बट ना थोड़ा लेट हो गया है अभी, अगर आप टाइम देखो तो 6:10 हो चुका है, और अगर अभी मैं बनाना शुरू करूँगा तो मुझे कम से कम 40-45 मिनट का टाइम तो चाहिए, और अंधेरा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं, और वो वाला कंटेंट एक बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, थोड़ा सा शायद हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि थोड़ा वो तो लॉन्ग राइड मैंने कर ही लिया है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या फिर लेह लद्दाख हो या फिर बेंगलोर बिहार, बिहार बेंगलोर हो, और भी बहुत सारी जगह मैंने कवर किए हैं यहाँ पर खुद साउथ इंडिया में, कुछ मतलब लंबे लंबे स्ट्रेचेस मैंने किए हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, हो सकता है आप लोगों को कुछ एक आध दो पीस तो कुछ मिल जाएगा उस कंटेंट से जो आप लोग को हेल्प करेगा, तो वो मैं अगले व्लॉग में बना दूंगा। आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं, और अगेन मैं आप लोग को बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सुरक्षित राइड कीजिए, मेरी तरह कॉपी करने का कोशिश मत कीजिए, आप अपने बाइक के यूज्ड टू हो जाएँ तभी आप अपने बाइक के साथ थोड़ा इस तरह का एक्सपेरिमेंट भी कीजिए, और स्पीड अगर चलाएंगे तो आप अपने रिस्क पर चलाइए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय। ओके, स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय, फाइनली बाय बाय।